चीन ने अपने विदेश मंत्री को बदल दिया है। उनके नए विदेश मंत्री का नाम है किन गांग। किन गांग अमेरिका में चीन के राजदूत रहे हैं। वो विदेश मंत्री के तौर पर वांग यी की जगह लेंगे। वांग यी को अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के लिए चुना गया है और अब वो विदेश नीति में पहले से बड़ी भूमिका निभाते दिखेंगे। अगर बात चीन के नए विदेश मंत्री किन गांग की करें तो वो अमेरिका में बतौर चीनी राजदूत 17 महीने रहे। इस दौरान वो दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते तनाव के गवाह भी रहे। साल 2021 में जब वो वॉशिंगटन पहुंचे तो बहुत ही कम अमेरिकी अधिकारियों तक उनकी पहुंच थी। कई बार आग्रह के बावजूद अमेरिकी अधिकारी उनसे मिलने में हिचकते रहे, हालांकि व्हाइट हाउस इन दावों को खारिज करता है। किन को प्रमोशन देकर अब विदेश मंत्री बनाया गया है। इस फैसले को इस तरह से भी देखा जा रहा है कि चीन अमेरिका के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों देशों के संबंध बीते कुछ समय में मानवाधिकार, ताइवान, तकनीकी जैसे कई मुद्दों के चलते सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। किन ने विदेश मंत्री बनाए जाने पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिनका सार देखें तो वो अमेरिका की तारीफ करने के साथ ही चीन के कूटनीतिक हितों का बचाव करते हुए दिखते हैं। जबकि उनके पहले जो विदेश मंत्री थे यानी वांग यी अपने तल्ख बयानों के लिए जाने जाते रहे। 500 से ज्यादा दिन अमेरिका में बिताने के बाद किन गांग ने अमेरिका और अमेरिकियों की तारीफ की है। अपने ट्वीट्स की शुरुआत किन गांग ने अमेरिका और चीन के बीच तल्ख रिश्तों के जिक्र से की है। किन गांग ने बताया कि साल 2021 में उन्होंने अमेरिका में चीन के राजदूत का पद तब संभाला जब दोनों देश बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति में थे। उन्होंने लिखा, मैं चीन अमेरिका संबंधों के विकास की देखभाल और समर्थन करना जारी रखूंगा। दोनों देशों के लोगों के बीच संवाद, आपसी समझ और आत्मीयता को प्रोत्साहित करूंगा। वापसी के लिए चीन की उड़ान भरने से पहले भी किन गांग ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की और दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों पर जोर दिया। माना जाता है कि किन गांग राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी हैं। साल 2021 में जब उन्हें अमेरिका का राजदूत चुना गया था तब कई लोग इससे हैरान हुए थे। उन्हें अमेरिका के साथ चीन के रिश्तों को संभालने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए राजदूत के तौर पर उनका नाम दूर दूर तक संभावितों की लिस्ट में नहीं था। तियानजिन में सन 1966 में जन्मे किन ने इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई की है। उन्होंने साल 2005 से 2010 और फिर 2011 से 2014 के बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के तौर पर काम किया है, लेकिन उनके करियर में अहम मोड़ साल 2014 में आया। द चाइना प्रोजेक्ट नाम की वेबसाइट के एक आर्टिकल के मुताबिक 2014 में किन को विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई। ये एक ऐसा पद था जहां देश के अन्य शीर्ष नेताओं के साथ करीबी बढ़ाने के काफी मौके होते हैं, खास तौर पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। कहा जा रहा है कि किन गांग की असल परीक्षा इस पर निर्भर है कि वो अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के चीन दौरे को किस तरह संभालते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए अन्य विकसित देशों से भी बेहतर रिश्ते बनाने होंगे। उन्हें रूस और उत्तर कोरिया जैसे मसलों से भी निपटना होगा। किन चीन में कोई नया चेहरा नहीं है और अमेरिका में उनके कार्यकाल की कई तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। उन्हें कभी किसानों से मिलते देखा गया तो कभी एलन मस्क के साथ बातचीत करते। एक इंटरव्यू में किन ने माना कि चीन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता अमेरिका के साथ है, लेकिन ताइवान के मुद्दे को उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के बीच सबसे बड़ा विवाद बताया था।